हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं इटालियन फिंगर की रेसिपी। इटालियन फिंगर बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच के लगभग ऑयल और इसको हाथों से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बिल्कुल ऐसे हाथों से एकदम मुट्ठी बना जा रहा है, ऐसे इसको मिला लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। तो हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, ये थोड़ा रेस्ट हो जाए। नेक्स्ट अपना इटालियन फिंगर के लिए स्टफिंग बना ले रहे हैं। इसके लिए हमने पनीर को ग्रेट करके रखे हैं, बिल्कुल इस तरह से ग्रेट कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। 1 गाजर जिसको हमने ग्रेट कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च, मैजिक मसाला, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी को मिला लेंगे। स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस नेक्स्ट हम थोड़ा 2 चम्मच अरारोट लेंगे, 2 चम्मच अरारोट लेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिला लेंगे। एक बार ज़्यादा पानी नहीं डालना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। बिल्कुल इस तरह बनाना है। नेक्स्ट लेंगे हम फूड कलर और इसको थोड़ा सा घोल लेंगे। कलर भी हमारा रेडी हो चुका, अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस तरह से लोई बना लेंगे। उसके बाद इसको बेलेंगे हम रोटी की तरह, इस तरह से बेल लेंगे। ये मैदा ऐसे सिकुड़ जाता है इसलिए इसको उठा उठा के बेलना पड़ता है। और बगल में घर में काम लगा है किसी का, उसी का आवाज आ रहा है।
ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में आवाज आ रहा है। अब दूसरों को तो नहीं रोक सकते ना। रोटी की तरह ऐसे पतला बेलना है एकदम, इस तरह से बेल लेंगे। अब इसको कट करेंगे हम चाकू से, बिल्कुल सेंटर से पकड़ करके ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे उठा लेंगे। फिर इसमें स्टफिंग डालेंगे, ये जो हमने अरारोट का घोल तैयार करके रखा है इसे लगा लेंगे चारों तरफ, और इसको ऐसे लॉक कर देंगे। फिर इसको उठा करके ऐसे और इसको मिलाते हुए ऐसे ऐसे, और ये हमारा इटालियन फिंगर तैयार हो चुका है। ये फूड कलर जो घोल बनाए हैं वो लेंगे और इसको ऐसे दबाएंगे, ऐसे बनाना है, बिल्कुल इस तरह बनाना है। ये सारे इटालियन फिंगर को इस तरह बना के रख लिए हम। अब इसको फ्राई करेंगे हम। तेल को थोड़ा गरम कर लेते हैं, गरम हो चुका है। अब इसे फ्राई करेंगे नेक्स्ट हम अपना। इसके लिए सबसे पहले अब इसमें एक एक डालेंगे हम, और आंच को मीडियम कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा तेज आंच रहेगा तो ऊपर से एकदम जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो उलटते पलटते ऐसे पका लेंगे हम, और देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है, बच्चों को तो इतना पसंद आता है ये पूछिए मत। और ये फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं, और कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी रेसिपी पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।